नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पुष्पा सिंह में। आज हम ये छोटा सा हैंड पर्स बनाना सीखेंगे जो कि हमने बगैर क्विल्टिंग बगैर फॉर्म के बनाया है। इसे बनाने के लिए हमने 14 इंच लेंथ का और 9.5 इंच वेट का ये स्क्वायर पीस ले लिया है। और हम कैरी बैग का यूज़ करेंगे रॉन्ग साइड के लिए। इतना ही पीस हमने कैरी बैग का ले लिया है। इसको हम यूं फोल्ड करेंगे। ओपन साइड से हमने 1 इंच पर देखिए मार्क लगाया है 1 इंच पे, और जो फोल्ड साइड है बेस वाली वहाँ से 7 पॉइंट ऊपर की तरफ मार्क लगाया और एक स्क्वायर बना दिया है। यहाँ से हम लेंगे 1.5 इंच और यू एक गोल लाइन लगा के कटिंग कर लेंगे। अब इस पीस को हम कैरी बैग के पीस के ऊपर रखेंगे और चारों तरफ से स्टिच लगा लेंगे। चारों तरफ से हमें स्टिच कर लेना है इसको। तो देखिए हमने अब ये 5 इंच लेंथ का और 9.5 इंच का एक और पीस कटिंग कर लिया है, और ये 9.5 इंच की एक जिप ले ली है। इसको हम इतना कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो हमने जिप ली है 9.5 इंच लॉन्ग, इसको हम इस पीस के साथ स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमने ये स्टिच लगा ली। अब एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है रॉन्ग साइड पे, उसे हम फैब्रिक की तरफ ही करेंगे रॉन्ग साइड पर, और ऊपर से किनारे की स्टिच लगा लेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम पर्स के ऊपरी हिस्से को जेब के साथ स्टिच करेंगे। उसके बाद जो हमने पॉकेट के लिए ये पीस लिया है, इसको यहाँ पर रख कर स्टिच कर लेंगे। अब हमने ये देखिए रॉन्ग साइड का जो मार्जिन है ऊपर की साइड रखना है और किनारे की स्टिच लगा लेनी है यहाँ पे। किनारे की स्टिच लगाने के बाद अब हम इस पॉकेट वाले फैब्रिक का जो हिस्सा है इस किनारे पे एक स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, पॉकेट तो तैयार हो गई है। अब हम बैक के स्ट्रैप तैयार करेंगे। 14 इंच लेंथ और 2.5 इंच वेथ का मैंने ये स्ट्रेट कपड़े का फैब्रिक ले लिया है। इसका एक किनारा यू, दूसरा किनारा यू हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और आपस में रख के स्टिच लगा लेंगे किनारे की। तो देखिए इस तरीके से हमें बैक की स्ट्रिप बना लेनी है। तो देखिए इस तरीके से हमने बैक की स्ट्रिप बना लिए है। अब हम पर्स का सेंटर करेंगे। सेंटर से 2 इंच अबव और 2 इंच बिलो यानी लेफ्ट एंड राइट मार्क लगाएंगे और स्ट्रैप को यूं स्टिच कर लेंगे। दूसरा भी स्ट्रैप हमें यूं ही लगा लेना है। तो देखिए दोस्तों, अब मैंने 10 इंच लॉन्ग जिप ले ली है। जिप को मैंने अलग अलग कर लिया है दोनों पीसेस को। अब हम एक पीस को यहाँ पर स्टिच कर लेंगे और बैठी हुई स्टिच भी लगा लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी स्टिच कर लेंगे जिप को। तो देखिए हमने जिप पर बैठी हुई स्टिच भी लगा ली। अब रनर लेंगे और जिप के अंदर रनर को डाल लेंगे। रनर डालने के बाद इस पर्स को हम रॉन्ग साइड की तरफ टर्न कर लेंगे और दोनों साइड पर स्टिच लगा लेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। साइड स्टिच लगाने के बाद अब हम कॉर्नर पे भी स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारे छोटा सा पर्स बनके तैयार हो गया है। बहुत ही सुंदर ये लग रहा है। इसमें आप आपके मोबाइल फोन को भी रख सकते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 7 इंच का है।
कोने 9 इंच का ये इधर से है, हाइट इसकी जो है 5.5 इंच की है और इतना बड़ा इसका बेस है, तो काफ़ी सामान आप इसमें कैरी कर सकते हैं। मार्केट वगैरह में आप जाते हैं बिल्कुल इसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको इसी तरीके के बैग के वीडियोस, स्टिचिंग के वीडियोस देखने अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये बिल्कुल ही आसान है और इसका कोई भी चार्जेस नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए।